दोस्तों, नए वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है और साथ ही साथ जैसे ही आप नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपकी अप्रूवल हो जाती है तो इस प्रकार का एक कार्ड जो कि क्यूआर कोड के साथ होता है वो भी आपको दी जाती है, जो कि इस प्रकार के लिफाफे में आप के पते पर भेज दी जाती है। तो हमने हाल में ही एक व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया था, उनका वोटर आईडी कार्ड बन भी चुका है और इस प्रकार का कार्ड उन्हें रिसीव भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि अगर आप भी चाहते हैं नए वोटर आईडी कार्ड बनाना तो किन स्टेपों को आपको फॉलो करना है जिससे आपकी वोटर आईडी कार्ड जल्द से जल्द बन पाए और आपके पते पर भी इस प्रकार लिफाफा आए और इस प्रकार का कार्ड आपको भी मिले। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे क्योंकि नए वोटर आईडी कार्ड बनाने में बहुत सारी प्रक्रिया को बदलाव भी कर दी गई है, जो समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली जितने भी अपडेट होती है उसकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराते रहते हैं। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और पूरी जानकारी स्टेप बाई स्टेप बताते हैं नए वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ECI वोटर कार्ड न्यू पोर्टल, लास्ट में चैनल का नाम ऑनलाइन अपडेट STM लगाएंगे, आपके सामने ECI वोटर कार्ड न्यू पोर्टल 2023 का लिंक मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है, जहां पर नए वोटर कार्ड पोर्टल के बारे में हर एक वो जानकारी बताई गई है जिसको आप समझ सकते हैं और किसके लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, जैसे आपकी बर्थ के लिए क्या लगेंगे, आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या लगेंगे और एड्रेस के लिए क्या लगेंगे वो आप देख पाएंगे। यही डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी पड़ेगा जिसके मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आना है इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है। सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस विकल्प पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको नए वोटर कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टोरल का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर फॉर्म 6 मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। अगर इस पोर्टल पर आपका अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्ट आप अपना मोबाइल नंबर या अपना IPIC नंबर पासवर्ड को डालकर कैप्चा को डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं, नंबर पर OTP जाएगा उस मदद से। अगर आप पहली बार आते हैं तो आप इस पर अकाउंट भी बना सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए सिंपली साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID चाहे तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ेंगे। इस कैप्चा को डालना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, नंबर पर OTP जाएगा, OTP को डालकर इसे वेरीफाई करेंगे। अपना कुछ डिटेल बेसिक जैसे नाम, आपके पिताजी का नाम, ये सब डिटेल डालकर आप सबमिट कर देंगे, आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके मदद से आप यहां पर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसे डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे, रिक्वेस्ट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरा पहले से ही अकाउंट बना है इसलिए हम डायरेक्ट लॉगिन कर आपको दिखाते हैं। आपने जो भी नंबर दिया होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP को डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब फिर से आपको इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर आपको मिलता है फॉर्म 6 का विकल्प जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म भरने की कुल जो है यहां पर देखेंगे कई सारे स्टेप दिए गए हैं, एक एक कर सभी जानकारी को आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना राज्य बताना है, किस राज्य से आप वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं उस राज्य को चुनेंगे, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे और यहां पर देखेंगे असेंबली पूछी जाती है, जो विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसके बारे में आपको पूछी जाती है कि आपका कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है, उसकी जानकारी आप यहां से चुनेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल आता है, जिसमें सबसे पहले आपका जो भी नाम होगा, जैसे आपका फर्स्ट और मिडिल नेम जो होगा इस बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे नीचे में आपका जो भी हिंदी नाम होगा वो ऑटोमेटिक आता है, कुछ गलती होती है तो इसे आप सुधार भी कर सकते हैं हिंदी में। अगर आपका सरनेम है तो उसे डालेंगे, अन्यथा इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका डायमेंशन बताया गया 4x5 cm x 3.5 cm होनी चाहिए, जो कि बताया गया कि मैक्सिमम साइज आपकी 2 MB होगी, JPG JPEG फॉर्मेट में होगी। यहाँ से चूज करेंगे और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए रिलेटिव की जानकारी पूछी जाती है, इनमें आप किनको रिलेटिव के रूप में रखना चाहते हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर फादर रख सकते हैं, अगर आप मेल में शादीशुदा है तो आप अपने वाइफ का नाम भी रख सकते हैं, अगर कोई फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम रख सकते हैं या अपने मदर फादर किन्हीं का नाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिनका भी नाम देना है उनका रिलेशन आपको चुनना है, उनका क्या नाम है, जैसे फादर का नाम देना है
तो फादर यहाँ पर उनका नाम डालेंगे, हिंदी में उनका नाम आ जाएगा और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जिसमें आपको बताना है कि आपको मोबाइल नंबर देना है। तो मोबाइल नंबर अगर आपका है तो सेल्फ चुने, अन्यथा अगर आपके रिलेटिव का है, जैसे अगर फादर है तो फादर का होगा या आपके हस्बैंड का होगा तो आप रिलेटिव भी चुन सकते हैं। आपका है तो सेल्फ वाले बॉक्स पर क्लिक करें, उनका है तो आप उनके बॉक्स पर क्लिक करें। आप अपना मोबाइल नंबर डालें, एक ऑप्शन सेंड ओटीपी का मिलता है जिस पर क्लिक करें। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ओटीपी वेरीफाई होगा। अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो ईमेल आईडी आप चुन सकते हैं, अन्यथा आप इससे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको आधार डिटेल डालनी है, जिसमें आपको सबसे पहले आधार नंबर को चुनना है, अपना आधार नंबर डालना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपका जो भी जेंडर होगा उसकी जानकारी देनी है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, यहाँ पर हमेशा कैलेंडर वाले विकल्प पर क्लिक करें और कैलेंडर के माध्यम से पहले आप अपना ईयर, जो मंथ है और जो डेट है उसको चयन करें। इस प्रकार आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। अब यहाँ पर एज प्रूफ के लिए आप कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट के नीचे आपकी साइन होनी चाहिए। यहाँ से आपको उसको चुनना है और इनमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में इतने सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप जिसको भी लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से चयन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। जो JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में होगा, इसका साइज मैक्सिमम 2 MB तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगी उसकी जानकारी देनी है, जैसे आपका जो भी हाउस या बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर होगा उसकी जानकारी देनी है, जो भी आपकी मोहल्ला एरिया सोसाइटी होगा उसकी जानकारी देंगे, आप अपना विलेज का नाम डालेंगे। उन सब की जानकारी हिंदी में देखने को मिलेगा, आप उसमें चाहे कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। आपकी पोस्ट ऑफिस जो भी होगी, यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे और नीचे में आपका वो हिंदी में आ जाएगा, पिन कोड डालेंगे, साथ ही साथ आपकी तहसील जो भी होगा उसे आप डालेंगे और वो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उसको चयन करना है, नीचे आपको आना है। एड्रेस के लिए आपको कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा, वो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप चुनेंगे, इनमें से कई सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी एड्रेस के रूप में दे सकते हैं। उसे चुनने के बाद उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगला डिटेल आपका डिसेबिलिटी डिटेल आती है, जिसमें आप को पूछा जाता है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है 40% या उससे अधिक, तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। इस प्रकार के अगर आप है तो आप चुन सकते हैं और सर्टिफिकेट यहां पर आप लगा सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब अगला डिटेल फैमिली मेंबर डिटेल आती है, जिसमें नेम ऑफ फैमिली मेंबर में आप किन्हीं का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए फादर, मदर, वाइफ, यहाँ पर तीन लोगों का ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप किसी को भी चुनकर उनका नाम डालेंगे, साथ ही साथ उनके पास अगर वोटर आईडी कार्ड पहले से बना है तो उनका IPIC नंबर आप दे सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। ये बेटर होता है क्योंकि इससे आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है जल्दी बन जाती है, लगता है कि आप जेन्युइन पर्सन है। नहीं है, आप चाहते हैं इसे नहीं देना तो बिल्कुल आप छोड़ भी सकते हैं, सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपके सामने डिक्लेरेशन आती है, जिसमें सबसे पहले आप अपना विलेज या टाउन लिखेंगे, किस राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं वो राज्य चुनेंगे और कौन सा जिला आपका है उस जिला का नाम चुनेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर आपने जो भी एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से चुन सकते हैं। इससे और भी इधर कर मान लीजिए उस पैलेस पर ही आपकी जन्म हुई है तो आप जन्म से हो सकते हैं उस पैलेस पर रह रहे हैं, तो आप अपना जन्म तिथि को भी यहाँ पर मंथ और ईयर को चुन सकते हैं। नीचे आनी है, जहाँ से इस वोटर आईडी कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आप पैलेस का नाम डालेंगे, आपका डेट वो देखने को मिलेगा और एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे में कैप्चा कोड फिल करना है, एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट का जिस पर क्लिक करना है। आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आता है, इसमें आपने जो भी जानकारी फिल किया है उसका एक बार आप अच्छे से मिलान करेंगे। सारा जानकारी सही है तो आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, कोई डिटेल गलत है तो आप यहाँ से एडिटिंग वाले विकल्प पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं आपसे बोला जाता है कि आप श्योर है इसे आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करें, लगता है कोई गलती है तो आप यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होता है। यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जिसको नोट डाउन कर आप रख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पुनः इस पोर्टल पर आएंगे या डायरेक्ट हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है जिस पर भी आप आएंगे तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट आपको लिंक उपलब्ध कराया है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का, जिस पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है उसको डालेंगे, जिस राज्य से आप फॉर्म अप्लाई किए उस राज्य को चुनेंगे और एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन का स्टेटस देखने को मिलेगा और अभी कहाँ पेंडिंग है उसकी जानकारी आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाता है आप यहीं से ईईपी कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि नए वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद समय समय पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है और जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड हो जाता है आपके पते पर जो आपने दिया है इस प्रकार का लिफाफा आपके पते पर भेज दी जाएगी और इस लिफाफे के अंदर आपका जो है स्मार्ट वोटर आईडी कार्ड जो है इस प्रकार रहेगा, जिसमें पीछे आपका क्यूआर कोड भी होगी जिसमें आपकी पूरी डिटेल इसमें मेंशन होगी। तो ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस है जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आओ तो इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।